कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े मामले की विशेष जांच होनी चाहिए और सच सामने आने तक भारतीय जनता पार्टी के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाई जानी चाहिए। खड़गे ने ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बाद कई कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड खरीदे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए एकत्र किए हैं, वहीं कांग्रेस को जिस बैंक खाते में चंदा मिला उसे लेन देन पर रोक लगा दी गई। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने यह उजागर कर दिया है कि कैसे भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से पैसा बनाया है। SBI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा को कुल चंदे का 50% से अधिक मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 11% मिला। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कंपनियों पर भाजपा को चंदा देने के लिए दबाव डाला गया। खड़गे ने सवाल किया कि अगर विपक्षी पार्टी का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा तो वे चुनाव कैसे लड़ेगी, समान अवसर कहाँ है, इसलिए मैं उच्चतम स्तर पर जांच की मांग करता हूँ। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक उनके खाते से भी लेन देन पर रोक लगाई जानी चाहिए। खड़गे ने आगे कहा कि यह पता लगाने के लिए एक विशेष जांच की जानी चाहिए कि क्या उन्हें किसी एहसान के बदले में या उत्पीड़न अथवा चंदे के बदले में मामलों को बंद करने के एवज में पैसे मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों ने ईडी और आयकर विभाग के छापों का सामना किया वे भाजपा में चले गए और उन्हें पार्टी में पद मिल गया, वे भाजपा में तत्काल बेदाग हो गए।